नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। शहर के थाना महाराजपुरा की हद में आने वाले रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात एक महिला और पुरुष की कटी हुई लाश मिली थी। सूचना मिलने पर थाना हजीरा, थाना पुरानी छावनी और थाना महाराजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घटनास्थल को लेकर तीनों थाने की पुलिस काफी देर तक आपस में उलझी रही। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार थाना महाराजपुरा पुलिस ने मृतकों की लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृत कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। दरअसल पुलिस के सामने चुनौती थी कि दोनों लाशों की शिनाख्त करना। सुबह होते होते दोनों लाशों की शिनाख्त हो चुकी थी। मृतक महिला मिथिलेश कुशवाहा 15 जुलाई को अचानक घर से गायब हो गई थी, जबकि मृतक युवक की शिनाख्त सोनू नामदेव के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि मृतक सोनू नामदेव जो दतिया का रहने वाला है और दोनों मृतक थाना बड़ापुर इलाके में रहते थे और आपस में पड़ोसी भी थे। दोनों मृतक सिलाई कढ़ाई का काम करते थे और दोनों एक दूसरे के घर आना जाना भी था। पुलिस पीएम रिपोर्ट आने के बाद मामले की विवेचना को आगे बढ़ाएगी, जबकि मृतक महिला के पति ने अपनी पत्नी की थाना बड़ापुर में गुमशुदगी की दर्ज कराई थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आसाराम है, आसाराम कुशवा। क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, मैं तो कल परसों ठेला लेके चला गया था 15 तारीख को। टिक्की का ठेला लगाते हैं, टिक्की का। 2 बजे घर से निकल गया था, मुझे घर से 3 बजे निकली भाड़े के लिए। लड़का से बोल के आई है, मैं पैसे लेने जा रहा हूँ भाड़े। बस। क्या नाम है आपकी पत्नी का? मिथिलेश। उम्र कितनी हुई? उम्र 32। कितने बच्चे होंगे? बच्चे 2 हैं सर, एक 15 साल का है, एक 4 साल का है। अच्छा, कहाँ से रहने वाले आप लोग? हम रहने वाले हैं वो मो रोहरा गांव पड़ता है। रोहरा रोहरा कहाँ पड़ता है जी? मो पास मो हमारे नाम। पत्नी यहाँ कैसे जाएगी? वाली यहाँ किराए से रहते हैं सर। आप किराए से कहाँ रहते हो? ये किशनबाग में। किशनबाग में बड़ापुर। अच्छा, तो किस हालत में मिली आपको पत्नी? बिल्कुल कटी हुई मिली। ट्रेन से पता बताया जा रहा है, एक युवक भी मिला उनके साथ में। क्या? एक लड़का भी मिला उनके साथ। हाँ। वो जानते हो उसको कौन है? वो सोनू नामदेव है, सिंहड़ा का रहने वाला है। अच्छा, कुछ इन दोनों बीच कुछ था, प्रेम प्रसंग का मामला था दोनों बीच? नहीं, मेरे पास तो मेरे वो सामने तो कुछ भी नहीं था। साइटें देता था वो बनाने के लिए। कुछ प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है? नहीं, ये भगवान जाने सर, मेरे सामने तो कोई मैटर नहीं है जी। दोनों वहाँ से ये साइट बनाते थे, पैसे लेने गई थी भाड़े का, पता नहीं इसने ही बुलाया था भाड़े के, किसने बुलाया था, मैं तो चला गया था घर से ठेला लेकर। बॉडी कितनी दूरी? अच्छा, क्या पूरा मामला है? ये आसाराम कुशवाहा निवासी किशनबाग बावड़ापुर ने थाने पर सूचना दी है आज कि इनके पत्नी मिथिलेश कुशवाहा 15 तारीख से घर से गुम हो गई थी, जो उसको अभी तक तलाश रहे थे। फिर आज रात को उनको सूचना मिली कि इनकी वाइफ की बॉडी मऊ रेलवे लाइन पर कटी हुई अवस्था में मृत पड़ी है और उसके साथ में एक सोनू नामदेव जो इनके घर के पास में ही रहता है, दरकी का काम करता है, उसकी बॉडी पड़ी मिली है। सोनू नामदेव के घर पे कोई नहीं है, उसके घर परिवारजन यहाँ उपस्थित नहीं है, ना कि परिवारजन थाने पर आया है, और वो अकेले यहाँ रहता था, दतिया का रहने वाला है। और इनकी वाइफ के 2 बच्चे हैं और उनको इनका और लड़के के संबंध में कोई प्रेम प्रसंग के बारे में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, अभी जाँच की जा रही है। क्या लगता है दोनों वहाँ कैसे पहुँचे? अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पत्नी के जो इनके पति हैं आसाराम कुशवाहा, इनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ये तो इनका कहना है कि सोनू वहाँ आता था, वो दर्जी का काम करता था और इनके घर पे भी कपड़े अपड़े देने आता था कटवाने, और ये भी दर्जी काम करती हैं, वो भी करता है, पास रहते हैं। हाँ, तो ऐसा हो सकता है इस संबंध में, लेकिन अब इनके बयानों पर जाँच पे और उनके लड़के घर वालों से पूछताछ के बाद ही प्रथम दृष्टया तो अभी मर्द कायम करके जाँच में लिया गया है, और प्रथम दृष्टया तो सुसाइड ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि दोनों ने एक साथ रेलवे क्रॉसिंग पर जान दी है। कोई लेटर ऐसा कुछ नहीं मिला।